आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर जलगांव जिला के फैजपुर शहर से। जलगांव जिला के फैजपुर शहर में हाजी हारून सेठ फाउंडेशन की ओर से उप विभागीय अधिकारी को दिया गया निवेदन, जिसमें कोरोना समय में अपनी जान गंवाने वालों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की गई, जिसमें पुलिस कर्मचारी, प्रशासकीय कर्मचारी, आरोग्य सेवक आदि शामिल है। हाजी हारून सेठ फाउंडेशन के अध्यक्ष जनाब शेख नाजिम, इनके मार्गदर्शन में ये निवेदन दिया गया। आज आम्ही सर्वजण इथे हाजी हारून सेठ फाउंडेशन के सदस्य एकत्रित झालेले आहे आणि आमचं एकत्रित झाल्याचं आम्ही ज्या ठिकाणी एकत्रित झालेले आहे फैजपुर येथे कार्यालय प्रांत अधिकारी साहेबांच्या कार्यालयात इथे एकत्रित झालेले आहे आणि या ठिकाणी आम्ही एक निवेदन सादर केलेला आहे की कोरोनाच्या काळात जे आरोग्य सेवक आहे, पोलीस दलचे अधिकारी आहे, कर्मचारी आहे, ते आपले कर्तव्य बजावत असताना अनेकांना कोरोनाची लागण झालेली आहे आणि अनेक जण याच्यातून निघून गेलेले आहे आणि अनेक जण आपलं म्हणजे याच्याशी झुंज देताना मृत्यू पावलेले आहे। असे लोकांच्या परिवाराला शासनातर्फे 50 लाख रुपयाची मदत व्हावी यासाठी आम्ही फैजपूर येथे प्रांत साहेबांना निवेदन दिलेले आहे की शासनातर्फे जे 50 लाख रुपये भेटतील त्यांच्या परिवाराला, कुटुंबाला एक सहारा देऊ शकते म्हणून आम्ही या ठिकाणी मागणी करण्यात आलेले आहोत। आज हम यहाँ पर हाजी हारून सेठ फाउंडेशन के सभी सदस्य फैजपुर के प्रांत कार्यालय में आए हुए हैं। हम इस मकसद से यहाँ पहुँचे हैं कि जो कोरोना संकट काल के अंदर पुलिस दल हो, आरोग्य सेवक हो, जिन्होंने अपने कर्तव्य बजाते हुए कोरोना योद्धा जो है, जिनको माना चाहिए, जो हकदार है खास, इन हकदारों को अपना कर्तव्य बजाते हुए जो लोगों को कोरोना की लागण हुई थी, ऐसे लोग, बहुत से लोग जिंदगी कोरोना से जीत चुके हैं और बहुत से लोग कोरोना से हार चुके थे। इस मकसद को देखते हुए जो लोग कोरोना से हार चुके हैं, जो आरोग्य सेवक हो, आरोग्य सेवक के अंदर जो पुलिस दल के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हम हाजी हारून सेठ फाउंडेशन की जानिब से ऐसे लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए शासन से एक डिमांड करने आए हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं तो उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद दी जाए और उन लोगों को एक सहारा दिया जाए।